मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे किसी ने बांध रखा होता है, साथ ही उसके बॉयफ्रेंड को दूसरे कमरे में बांध रखा था। तभी वो लड़की किसी तरह हिम्मत करके खुद को छुड़ाती है और वहां से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे यहां से भाग जाने के लिए कहता है। अब वो लड़की यहां से भागने लगती है और एक आदमी डबल ब्लेड सीकल लेकर उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की भागते भागते पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाती है और तभी वो आदमी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। अब वो लड़की यहाँ से भाग नहीं सकती थी, इसीलिए वो पहाड़ से कूद जाती है और मारी जाती है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम माइक और सैरिल होता है। ये दोनों यहाँ जंगल में हाइकिंग ट्रिप पर आए होते हैं। इसके बाद ये वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिस में जाते हैं और पार्क रेंजर से पूछते हैं कि यहाँ पर कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। पार्क रेंजर उन्हें सलाह देता है कि ये जंगल काफी खतरनाक है, इसीलिए तुम लोग सतर्क रहना। जंगल में आने के बाद ये अपने फोन्स को गाड़ी में रख देते हैं ताकि इन्हें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। खैर, अब जब ये जंगल में पहुंचते हैं तो ये हेजिटेट हो जाते हैं कि इन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। तभी वहां पर एक लेडी आती है जिसका नाम ईडा था। ईडा उनसे कहती है कि मैं इसी जंगल में ही रहती हूँ, इसलिए वो उन्हें टिम्बर फॉल्स जाने की सलाह देती है। ये सुनकर वो उस रास्ते से आगे जाने लगते हैं। अब आगे जाने पर सेरिल माइक पर काफी खुश थी, इसलिए वो उसे प्यार करने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर तीन लोग आ जाते हैं जो कि हंटर्स होते हैं। ये उनके साथ मजाक करने लगते हैं और कहते हैं कि इन झाड़ियों में ये सब करते हुए काफी सावधान रहना। फिर ये उन्हें अपनी हैंडमेड अल्कोहल लेने के लिए कहते हैं। ये देखकर माइक इन पर काफी गुस्सा होता है, पर सेरिल उसे शांत रहने के लिए कहती है, जिसके बाद माइक उन्हें पैसे दे देता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों जब वाटरफॉल देखने जाते हैं तभी वहाँ पर एक पार्क रेंजर आता है जो इनसे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। वो उन्हें पास ही के एक लेक पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और टेंट लगाकर कैंपिंग करते हैं। रात में सेरिल को माइक पर प्यार आने लगता है। माइक कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ये सुनकर सेरिल उसे टेंट में लेकर जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। और तभी हम बाहर एक शैडोवी फिगर को देखते हैं जो उन्हें एंजॉय करते हुए देख रहा था। अब काम होने के बाद सेरिल माइक से कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर माइक कहता है कि हम ऐसे ही ठीक हैं, जिसके बाद ये सो जाते हैं। अगली सुबह सेरिल जब नहा रही होती है तो तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है। फिर जब माइक की आंख खुलती है तो वो सेरिल को वहाँ से गायब हुआ पाता है। माइक उसे आसपास ढूंढने लगता है और तभी उसे वो दोनों हंटर्स दिखाई देते हैं जिनसे पिछले दिन माइक और सेरिल का सामना हुआ था। वो देखता है कि उनमें से एक के हाथ में सेरिल का टॉवेल है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उन्होंने ही उसे किडनैप किया है, इसलिए वो उनमें से एक के सर पर मारता है। ये देखकर वो दूसरा यहाँ से भाग जाता है। माइक उस हंटर की शॉर्ट गन लेकर उससे पूछता है कि सेरिल कहाँ है। इस पर वो कहता है कि उस दिन से उसने सेरिल को नहीं देखा है। तभी वो एक चाकू निकालता है पर माइक उसे पीटकर बेहोश कर देता है। फिर वो सेरिल को ढूंढने लगता है पर सेरिल उसे कहीं नहीं मिलती। तभी आगे जाने पर उसे पेड़ पर लटका बियर दिखता है और तभी माइक का पैर उस बियर ट्रैप में फंस जाता है। तभी वहाँ पर ईडा आती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारा घाव काफी गहरा है पर जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो उसके लिए चाय बनाने जाती है। तभी वहाँ पर वो हंटर आ जाता है जो माइक को ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसने उसके साथियों को मारा था। पर ईडा उससे झूठ कहती है कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आया है। इसके बाद वो माइक के लिए चाय बनाकर लाती है, पर माइक ये सुनकर काफी घबरा जाता है क्योंकि ईडा उसे उसके रियल नेम माइकल से बुला रही थी जो कि सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर को ही पता था। पर तभी उसे याद आता है कि यहाँ आते वक्त उसका पासपोर्ट चोरी हो गया था जिस पर वही नाम लिखा था। ये सुनकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी ईडा एक रॉड उठाकर कहती है कि वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगी। माइक उसे पीटकर बेहोश कर देता है जिसके बाद वो वहाँ सेरिल को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर माइक को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और वो उसके अंदर जाता है। उसे वहाँ पर शीशे के कई जार दिखते हैं जिनमें छोटे बच्चों को प्रिजर्व करके रखा गया था। तभी वहाँ पर माइक को सेरिल भी दिखाई देती है जिसे उन्होंने बांधा हुआ होता है। ये देखकर माइक सेरिल को फ्री करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है जो माइक पर अटैक करता है और ये देखकर सेरिल वहाँ से भागने लगती है। माइक को बेहोश करने के बाद वो सेरिल को पकड़ने जाता है। सेरिल भागते हुए एक सड़क तक पहुँचती है जहाँ पर उसे वही फॉरेस्ट रेंजर क्लाइड मिलता है। सेरिल उससे कहती है कि वो आदमी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है,
लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी भी पहुँच जाता है। क्लाइड उस पर गुस्सा होता है कि सेरिल वहाँ से कैसे भागी। ये सुनकर सेरिल को पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, और तभी क्लाइड उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है। फिर रात में ये लोग माइक और सेरिल को शादी के लिए सजाते हैं और उनकी शादी करवाते हैं। तभी ईडा इन्हें बताती है कि पिछले दिनों तुम दोनों ने टेंट में संबंध बनाया था, और क्योंकि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना पाप है, इसीलिए उन्हें ईडा और क्लाइड के लिए एक बच्चा पैदा करना होगा, क्योंकि ईडा बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। शादी करवाने के बाद उन दोनों को अलग अलग कमरे में कर दिया जाता है। तभी ईडा का भाई आकर सेरिल का रेप करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर ईडा आ जाती है जो उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। इसके बाद वो दोनों माइक और सेरिल को एक ही कमरे में लाते हैं और उन्हें सेक्स करने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें वो बच्चा मिल सके। पर उनके जाने के बाद माइक और सेरिल वो नहीं करते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने बच्चा पैदा किया तो ईडा और क्लाइड उन्हें वैसे भी मार देंगे। अगली सुबह ईडा और उसका भाई उस कमरे में आते हैं और उसका भाई माइक को दूसरे कमरे में ले जाकर उसे बांध देता है। फिर ईडा चेक करती है कि उन्होंने वो किया है कि नहीं, पर जब उससे पता चलता है कि उन्होंने नहीं किया है तो वो लोग माइक को बांध कर उसे टॉर्चर करते हैं। इधर दोपहर में क्लाइड माइक और सेरिल की गाड़ी को पानी में डुबो देता है ताकि किसी को भी उनका पता ना चले। तभी वहाँ पर वो हंटर ब्रूडी आता है जो उससे कहता है कि कल उसने उन टूरिस्ट की गाड़ी को पार्किंग लॉट में देखी थी, जिसका मतलब कि वो लोग अभी यहीं कहीं होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात में ये फिर से उन दोनों को उसी रूम में ले जाते हैं उनसे संबंध बनवाने के लिए, और अगर इस बार उन्होंने नहीं किया तो वो उन्हें और भी ज्यादा टॉर्चर करेंगे, पर फिर भी ये दोनों नहीं करते। अगली सुबह वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आती है जो माइक और सेरिल को ढूंढते हुए वहाँ आई थी, क्योंकि सेरिल की माँ ने वहाँ कंप्लेन की थी। वो ऑफिसर कहता है कि उनकी गाड़ी पार्किंग लॉट में नहीं है, इसका मतलब कि वो यहाँ से चले गए होंगे। इधर वो तीनों जब उस कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने अभी वो नहीं किया है। अब ये देखकर क्लाइड उन पर काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसके पास उसी ऑफिसर की कॉल आती है जो उससे माइक और सेरिल के बारे में पूछना चाहती थी, पर वो उनसे झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता। इधर वो ऑफिसर ब्रूडी के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वो उन्हें ढूंढ निकालेगा तो उसे काफी इनाम दिया जाएगा। ब्रूडी उसकी बात मान जाता है क्योंकि अब उसे पैसे मिलने वाले थे। इधर ईडा का भाई फिर से सेरिल का रेप करने की सोचता है, पर उसकी आवाज सुनकर वहाँ ईडा और क्लाइड आ जाते हैं। फिर क्लाइड उन दोनों से कहता है कि तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, पर माइक उसे साफ मना करता है कि वो किसी भी हाल में नहीं करेंगे। तभी अचानक सेरिल हंसने लगती है और रिवील करती है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले से ही 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ईडा और क्लाइड शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सेरिल शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी थी, यानी कि उनका इविल प्लान अब फेल हो गया था। इधर ब्रूडी उस दूसरे हंटर के साथ ईडा के घर आता है क्योंकि उसे उन पर शक होता है। फिर वो उनके फ्रंट गेट का कांच तोड़ते हैं। कांच की आवाज सुनकर ईडा और क्लाइड ऊपर चेक करने के लिए जाते हैं। ब्रूडी जब उस बेसमेंट में जाता है तो वहाँ वो जार में बंद उन बच्चों को देखता है। बाहर उस दूसरे हंटर को एक सीक्रेट बेसमेंट दिखता है, लेकिन तभी क्लाइड उस पर अटैक करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ ईडा जब उस हंटर को देखती है तो वो उसे शूट कर देती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों उनकी लाश को दफना देते हैं। तभी ईडा क्लाइड से कहती है कि वो सेरिल का एबॉर्शन करेगी ताकि वो पापी बच्चा मर जाए और वो नए बच्चे को जन्म दे, पर क्लाइड कहता है कि एबॉर्शन करना भी तो पाप ही है। इसलिए अब ये दोनों उन्हें मारने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें मार कर ये नए कपल को बंदी बना सके। इधर माइक किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है। फिर जब क्लाइड उसे मारने आता है तो तभी माइक उस पर अटैक कर देता है और उसकी गन से उसे उड़ा देता है। इसके बाद जब ईडा वहाँ आती है तो वो क्लाइड को मरा देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और माइक को स्टैप करती है, पर तभी सेरिल पीछे से उस पर अटैक करती है और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। माइक उससे कहता है कि उसे क्लाइड की वॉकी टॉकी लानी होगी ताकि वो उससे मदद बुला सके। ये सुनकर सेरिल वॉकी टॉकी लाने ऊपर जाती है। फिर जब वो उससे मदद मांगने लगती है तो तभी ईडा का भाई उस पर अटैक कर देता है, पर सेरिल किसी तरह करके वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक अल्कोहल की बोतल जलाकर उस पर मारती है, जिससे वो भी पूरा जल जाता है। इसके बाद सेरिल माइक के पास जाती है और ये दोनों यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी ईडा एक तलवार लेकर माइक के पेट में घुसा देती है। ये देखकर सेरिल को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो पास पड़े सीकल से उसका गला काट देती है।
फिर वो माइक के पास जाकर उसकी ब्लीडिंग रोकती है और तभी उसे वहां पर एक फोन मिलता है जिससे वो मदद बुलाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब माइक और सेरिल की एक छोटी बच्ची भी हो गई थी। फिर वो उसे एक कमरे में सुलाकर वहां से चले जाते हैं और तभी खिड़की के बाहर एक सीकल लिए आदमी आता है जो कि वही डबल ब्लेड सीकल था। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।